Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की जो वीडियो है, I'm gonna talk about the expiry trading. आपको याद होगा जब 7th of September, this महीने की 7th of September को जब निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेडिंग हुई थी, that was a jackpot trading. Everybody was talking about that क्योंकि निफ्टी उस दिन इतनी अच्छी मूवमेंट दी थी कि जो 2 रुपए की ऑप्शन थी दैट वेंट टू अ 75 रुपीज, जो 10 रुपए की ऑप्शन थी दैट वेंट टू अ 120 रुपीज. मतलब अगर किसी ने उस ऑप्शन पे 2 रुपए लगाए होते, मतलब 2 रुपए की वो ऑप्शन खरीदी होती, तो इट वॉज अ जैकपॉट फॉर हिम कि वो 75 तक गई थी. इतना अच्छा हाई बनाया था कि अगर किसी ने वो हीरो टू जीरो की होती तो ही मस्ट हैव मेड सो मच मनी अबाउट इन दैट ऑप्शन. So, उसके बाद 7th of September की एक्सपायरी के बाद आई गोट सो मैनी DM फ्रॉम यू पीपल दैट कि मैम ऐसा कोई तरीका बताओ, ऐसी कोई लॉजिक बताओ जिससे हम ये जैकपॉट का फायदा उठा सके, क्योंकि हम तो ऑप्शन बायर है, हमारी तो छोटी सी कैपिटल होती है. अगर हम ऐसी 2 रुपए की ऑप्शन उठा ले, अगर वो 75 रुपीज हो जाए तो आप देखो हम कितना पैसा कमा सकते हैं, तो ऐसी कोई तरीका बताओ जिससे हम इस जैकपॉट का फायदा उठा सके. सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दिस जैकपॉट की क्या एक ऑप्शन बाय दिस जैकपॉट का फायदा उठा सकता है या नहीं. गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग कि ऐसे जैकपॉट बहुत रेयर आते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक्सपायरी पे आपको ऐसा जैकपॉट मिलेगा, ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं. मतलब 10 में से 1 एक्सपायरी ऐसी होती है जिसमें, 10 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 15 में से 1 एक्सपायरी ऐसी होती है जिसमें आपको ऐसे जैकपॉट मिलते हैं. और ऐसा जैकपॉट का फायदा हर कोई नहीं उठा पाता है. ट्रस्ट मी, आई बेट ऑन दैट कि अगर उस दिन 7 सितंबर को अगर किसी ने वो 2 रुपए की ऑप्शन खरीदी भी होगी, उसमें से 95% पीपल ने वो ऑप्शन 10 रुपए पे और मैक्सिमम 12 या 13 रुपए पे निकाल दी होगी. बहुत ही रेयर कोई ऐसा बंदा होगा जिसने उस ऑप्शन को 75 रुपीज तक रखा होगा. कोई मेरे ख्याल से तो एक आधा भी नहीं होगा ऐसा जिसने उस ऑप्शन को 75 रुपीज में रखा होगा. क्योंकि जब हम हीरो जीरो ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है कि सस्ता खरीदना और थोड़ा सा छोटे प्रॉफिट पर, जैसे हमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट दिख जाए वी शुड एग्जिट दैट ऑप्शन. इवन मैंने ऐसी वो ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने भी वो कोई 2 रुपए की ऑप्शन खरीद के 75 रुपीज पे नहीं निकाली, क्योंकि आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग. क्योंकि ये जो हीरो टू जीरो या ये जैकपॉट स्टार्ट ट्रेडिंग होती है ना जिसमें 2 रुपए की ऑप्शन इतनी हैवी हो जाए, ये बहुत ही रेयर केसेस में होती है. तो टुडे दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि डोंट बी इन दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग हर एक्सपायरी में. अब उसके बाद होने क्या लग गया, जब 7 को ये तरीका चीज हुई, उसके बाद होने क्या लग गया हर, क्योंकि अब आपको पता है कि एवरी डे इज एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी होती है, तो लोग एवरी एक्सपायरी में हर दिन दे आर स्टार्टिंग सर्चिंग फॉर द दिस काइंड ऑफ जैकपॉट. कि मंडे को तो मैं मिड कैप में ऐसा जैकपॉट ढूंढ लूँ, ट्यूसडे को मैं फिन निफ्टी में ऐसा जैकपॉट ढूंढूँ, वेडनेसडे को मैं बैंक निफ्टी में ऐसा जैकपॉट ढूंढूँ. दे ट्राइंग टू सर्च दिस काइंड ऑफ जैकपॉट इन एवरी एक्सपायरी, कि अगर हमें हर दिन ऐसा जैकपॉट मिल जाए तो वी विल मेक लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. और इस चक्कर में दे आर लूजिंग द गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑप्शन बाइंग. जो निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी वो मिल रही है, दे आर लूजिंग दैट बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ जैकपॉट इन एवरी एक्सपायरी. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक इन दिस वीडियो कि ऐसे जैकपॉट आपको रोज नहीं मिलते हैं, तो डोंट ट्राई टू फॉलो इट. ऐसे जैकपॉट ढूंढने की रोज कोशिश मत करो, ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस जो आज तक आप लोग फॉलो करते आ रहे हो, जो भी आप ट्रेडिंग करते आ रहे हो, जो भी आप सेटअप यूज करते आ रहे हो ऑप्शन बाइंग में, ट्राई टू फॉलो दैट. मैं ऐसा जैकपॉट नहीं ढूंढती हूँ रोज, मैं वही कर रही हूँ जो मैं आज तक करती आ रही हूँ. मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने प्रॉपर वही सेटअप से ऑप्शन बाइंग कर रही हूँ और उसी सेटअप से ट्रेडिंग कर रही हूँ और आई एम गेटिंग अ गुड प्रॉफिट. सो माय एडवाइस इज डोंट ट्राई टू लुक फॉर दिस काइंड ऑफ जैकपॉट ऑन एवरी एक्सपायरी, जस्ट ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस विच यू आर डूइंग एज अ ऑप्शन बायर. जो आप सेटअप यूज कर रहे हो, जो प्रोसेस यूज कर रहे हो, जस्ट फॉलो दैट एंड ट्राई टू मेक मनी इन द ऑप्शन बाइंग. स्टिल अगर आप ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई हीरो टू जीरो ट्रेड करना चाहते हो, तो व्हाट प्रोसेस आई फॉलो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. आप वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, उससे यू कैन मेक मनी इन हीरो टू जीरो. मैं वही प्रोसेस फॉलो करती हूँ और मैंने 7th को भी वही प्रोसेस फॉलो करके पैसा कमाया था. मैंने 2 रुपए की ऑप्शन खरीद के पैसा नहीं कमाया था. तो व्हाट आई फॉलो इज दैट निफ्टी एक्सपायरी, जब निफ्टी की एक्सपायरी होती है, निफ्टी एक्सपायरी को मैं क्या करती हूँ, एट द नियर अबाउट 11 to 12 के बीच में, 11-12 बजे के बीच में, व्हाट आई डू, मैं जिस प्राइस पे निफ्टी चल रही है, मान लो 11-12 बजे के बीच में, व्हाट आई डू, आई लुक फॉर द
आउट ऑफ मनी ऑप्शन। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल हीरो टू जीरो कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी, 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे पे एक आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय कर लूंगी एट बिटवीन 11 टू 12 इन निफ्टी। अब आई ऑलवेज मेक श्योर कि उन दोनों का जो कंबाइंड प्रीमियम होना चाहिए वो 10 से 15 रुपए के बीच में होना चाहिए। अगर 10 से 15 रुपए से ज्यादा, मतलब आई मेक श्योर कि उनका कंबाइंड प्रीमियम 15 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये होता है अगर मैं नॉन डायरेक्शनल हीरो टू जीरो कर रही हूं। बट अगर मुझे मार्केट की डायरेक्शन समझ आ रही है, मुझे 11-12 बजे ये समझ आ रहा है कि मार्केट इस टाइम बुलिश है या बेरिश है, तो देन व्हाट आई डू अ डायरेक्शनल हीरो टू जीरो, जिसमें मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो मैं 100 पॉइंट आउट ऑफ मनी कॉल बाय कर लूंगी, और अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बेरिश है तो फिर मैं 100 पॉइंट आउट ऑफ मनी पुट बाय कर लूंगी। और यहां पे मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो मैं आउट ऑफ मनी कॉल या पुट बाय कर रही हूँ उनका प्रीमियम 7 या 8 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस कि अगर आपको लग रहा है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ आ रही है, देन यू कैन, व्हाट यू कैन डू, 100 पॉइंट अबव कॉल या पुट बाय कर सकते हो एज पर योर मार्केट डायरेक्शन। बट अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं समझ आ रही तो व्हाट यू कैन डू, 100 पॉइंट प्लस और 100 पॉइंट माइनस आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय कर लो इन निफ्टी। बट मेक श्योर उन दोनों का कंबाइन प्रीमियम 15 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 पॉइंट से ज्यादा का आप रिस्क नहीं लोगे। एंड इस केस में जो आपका टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 1:1 and 1:2। कि आपका टारगेट अगर आप 15 रुपए में ले रहे हो तो पहला टारगेट आपका 30 पॉइंट होना चाहिए और दूसरा टारगेट आपका 45 पॉइंट होना चाहिए। इस चीज में एक चीज और मेक श्योर कर लेना, हर एक्सपायरी में जरूरी नहीं है कि आपको 1:1 या 1:2 का टारगेट भी मिल जाएगा। ये टारगेट आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन द मार्केट विल गिव द, ये टारगेट आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन द निफ्टी विल गिव द मूवमेंट ऑन द एक्सपायरी, जिस दिन निफ्टी एक्सपायरी को मूवमेंट देगी। अगर हम रिसेंट एक्सपायरी की बात करें, जो 14 तारीख को हुई थी, निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दी थी। अगर आपने ये बाय किया था, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये हीरो टू जीरो शेयर भी किया था, टोटल प्रीमियम दोनों का 9 रुपीज था, बट वो जाके एंड ऑफ द डे जीरो हो गई थी क्योंकि निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दी थी। तो ये अगर आप सेटअप यूज कर रहे हो तो तभी आपको प्रॉफिट होगा जिस दिन एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी will give the movement। तो इसमें जब आप ट्रेड करो तो टेक अ ट्रेड एज पर योर रिस्क कैपेसिटी, उतना ही रिस्क लेना जितना आप मैनेज कर सकते हो, कि अगर जीरो भी हो गया तो आपको उतना लॉसेस ना हो कि आपकी कैपिटल ब्लो हो जाए। क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, इसमें पूरी कैपिटल लगा देंगे और अगर उस दिन एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, निफ्टी ने कुछ नहीं किया, तो आपकी पूरी कैपिटल ब्लो हो सकती है। तो अगर आप हीरो टू जीरो ट्राई भी कर रहे हो तो ट्राई टू टेक अ स्मॉल रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लेने की कोशिश मत करो। कई बार इसी चक्कर में पीपल लूजेस लॉट्स ऑफ मनी एंड दे ब्लो देयर कैपिटल। द सेम वे इफ यू वॉन्ट टू फॉलो इन बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी में फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन टेक द डिफरेंस ऑफ 200 पॉइंट। अगर इस टाइम बैंक निफ्टी चल रहा है 45,800 पे, तो आप 200 पॉइंट प्लस 46,000 और 200 पॉइंट माइनस 45,600 का कॉल और पुट आउट ऑफ मनी बाय कर सकते हैं। बट मेक श्योर इन दोनों का प्रीमियम 30-35 के ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। तो इन दोनों का प्रीमियम 30-35 के बीच में ही होना चाहिए, तब भी आप ये ट्रेड लो। अगर 30-35 से ज्यादा है तो वेट करो जब तक इनका प्रीमियम 30-35 के बीच में नहीं आ जाता, क्योंकि हीरो टू जीरो में हम बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। तो अगर आप नॉन डायरेक्शनल हो तो आप 200 पॉइंट माइनस और 200 पॉइंट प्लस का आउट ऑफ मनी कॉल और पुट बाय कर सकते हो। बट अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ आ रही है तो सेम वे बैंक निफ्टी में आप 200 पॉइंट प्लस का कॉल बाय कर सकते हो, आप 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी कॉल बाय कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बुलिश बैंक निफ्टी, और 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी पुट बाय कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बेरिश बैंक निफ्टी। तो सेम वे उसमें अगर आप डायरेक्शनल बाय कर रहे हो तो मेक श्योर उसका प्रीमियम 15 से 20 पॉइंट के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो 20 से ज्यादा तो दैट इज दैट यू हैव टेकिंग अ बिग रिस्क। तो अगर आप आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय कर रहे हो डायरेक्शनल, तो मेक श्योर द प्रीमियम शुड बी फॉर बैंक निफ्टी शुड बी 15-20, और अगर आप नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो तो दोनों बाय कर रहे हो तो दोनों का कंबाइंड प्रीमियम मेक श्योर शुड बी 30-35, इससे ज्यादा रिस्क आप नहीं लोगे। सेम वे योर टारगेट विल बी 1:1 and 1:2, आपका टारगेट वही होगा, 1:1 and 1:2, और आप जैकपॉट का वेट नहीं करेंगे, हर बार जैकपॉट नहीं लगता है। और यहाँ पे भी मैं आपको यही बता दूंगी कि कई बार ऐसी भी एक्सपायरी होती है कि आपको 1:1 और 1:2 का टारगेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया एक्सपायरी वाले दिन तो यू विल लूज अ कंप्लीट कैपिटल। तो मेक श्योर यू आर टेकिंग अ रिस्क एज पर योर रिस्क कैपेसिटी, आप छोटा रिस्क लेंगे, अपनी पूरी कैपिटल हीरो टू जीरो में नहीं लगाएंगे, यू विल कैन लूज अ कंप्लीट कैपिटल।
गाइज दैट्स इट फॉर यू टुडे वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके. एंड अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.